इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको फैजल सिद्दीकी का पाकिस्तान प्रेम दिखाना चाहता हूँ, तो पूरा देखिएगा। कोई नया हाथ में चाहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना, इसकी जाँच हो। मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जाँच की मांग तो कर ही सकता हूँ। फैजल सिद्दीकी वाले केस में एक और बहुत तगड़ा नया मोड़ आया है। मैं चाहता हूँ कोई नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, और स्पेसिफिकली वो लोग जो लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि एक और बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है, उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो आपको शायद सरप्राइज कर देंगे। तो कर लो, बेल आइकन दबा दो, पता चल जाएगा आपको। दूसरी चीज़, इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना इस मुद्दे के लिए और सरकार के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए, NCW के लिए और स्पेसिफिकली पुलिस के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ में क्या है। आपको मैं पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ, इस वीडियो से रिलेटेड सब कुछ है। इस वीडियो में मुझे कुछ खास आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन जो लिंक है वो आपत्तिजनक जरूर है। तुम्हारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, इस्लाम के कितने अरकान है? पांच। कौन से है? इस वीडियो में जो भी फैजल सिद्दीकी ने कहा कुछ बुरा नहीं है, अगर अपने रिलीजन के बारे में कुछ प्रोपोगेट कर रहे हो तो लिमिटेड तरीके से, पीसफुल तरीके से, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। लेकिन फिर आपको नीचे दिखेगा कुछ ऐसा, और ये 2018 का पोस्ट है, स्क्रीनशॉट आज ही लिया गया है, 2018 का पोस्ट है। उसमें भाई साहब ने हैशटैग पाकिस्तान दिख रहा होगा आपको, हैशटैग कराची, हैशटैग लाहौर। एक और पोस्ट आपको दिखाऊंगा, उसमें हैशटैग टिकटॉक चाइना, चाइना प्रेम भी है। जैसे बात है टिकटॉक चाइना का है, तो चाइना से प्यार दिखाना ही पड़ेगा आपको। खैर, तो टिकटॉक चाइना, टिकटॉक दुबई, टिकटॉक क्रिंज। अब क्रिंज किसे कहते हैं? इनका कंटेंट देखने के बाद अच्छे से उसकी डेफिनेशन पता चल जाती है, जो भी ये लोग टिकटॉक पर प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान, चाइना, लाहौर, ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि इनका पाकिस्तान से क्या मतलब। इसकी और अच्छे से जाँच होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं। मैं इसको रिलीजियस इशू बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मैं बस इसको इंडिया पाकिस्तान इशू बना रहा हूँ। तो जनता से बस मेरी इतनी उम्मीद है, मेरा काम था आपको बताना, आपका काम है दूर तक पहुँचाना। आप शेयर करिए, मैं भी लिंक शेयर करूँगा, ट्विटर पे सबको टैग करूँगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बता सकते हैं। और एक सवाल फैजल सिद्दीकी, उसके सपोर्टरों से ही बनता है डायरेक्टली, कि आपका पाकिस्तान प्रेम यहाँ क्यों झलक रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और है, कुछ बड़ा है? क्योंकि आपका टिकटॉक कुछ खास इंडिया प्रेम नहीं दर्शाता है, पाकिस्तान प्रेम जरूर दर्शा रहा है, और स्पेसिफिकली आपने इंस्टाग्राम पे मेंशन भी किया है, तो इस पे देखने वाली बात है। और एक जो आपको अगली वीडियो मिलेगी, इसके बाद जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें आपको टिकटॉक जिहाद भी नज़र आएगा, डायरेक्टली नहीं लेकिन काफिरों के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसका एक सबूत खुद तारिक फतेह साहब ने अपलोड किया है अपने ट्विटर पर। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको जरूर दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, बार बार मैं जोर डाल रहा हूँ, शेयर जरूर करिएगा, दूर तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये मुद्दा सीरियस हो सकता है, किसी का पाकिस्तान प्रेम किसी के लिए खतरा हो सकता है, किसी के लिए क्या, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।